अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, तीन चार अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो आपको बताएंगे कि कौन से दो रहनुमा हैं जो कि शायद पीटीआई में दोबारा शामिल होना चाह रहे हैं या उनके रबते हैं, क्या इस हवाले से हकीकत है वो आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे शहबाज शरीफ साहब के नए इंटरव्यू के बारे में, जिसमें उन्होंने 9 मई का पूरा इंकशाफ कर दिया है कि क्या हुआ और कैसे हुआ और क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है तो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपसे जिक्र करेंगे जनाब हम इस हवाले से भी कि इमरान रियाज खान साहब की वापसी के हवाले से लेटेस्ट खबर क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस तरह दो तीन अहम खबरें हैं ये आपके साथ जनाब आज इस वीलॉग में हम शेयर करेंगे डिटेल्स। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप मुनासिब समझे तो। तो बात का आगाज कर लेते हैं जी यहाँ से। जो एक अहम चीज सामने आई है वो ये कि जो असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब है उनके हवाले से बड़ी मार्केट में खबर है कि जनाब शायद उनकी जानिब से कोई राबते किए जा रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के साथ इस हवाले से कि उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया जाए। और कुछ ट्वीट्स और कुछ पोल्स भी कंडक्ट होते हुए हमें नजर आ रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जहां पर ये पूछा जा रहा है कि क्या इन दोनों रहनुमाओं के लिए पार्टी के दरवाजे दोबारा खोल देने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये दोनों रहनुमा ऐसे हैं कि जिन्होंने पार्टी को खैर बात तो कहा, बल्कि असद उमर साहब ने तो SH पार्टी को छोड़ने की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था मैं ओहदा छोड़ा हूं। लेकिन ये अलग बात है कि बाद में काशिफ अब्बासी साहब के शो में उन्होंने काफी चीजें ऐसा लगा कि मलबा जो है वो इमरान खान साहब पर डाला और अपना दामन कुछ थोड़ा सा छुड़ाने की कोशिश की बहुत सारे मामलात के हवाले से। तो फवाद चौधरी साहब तो बाहर ना सिर्फ ये कि पार्टी छोड़ गए बल्कि उन्होंने तो सियासत से ब्रेक लेने का भी ऐलान किया था। तो अभी तक इन दोनों रहनुमाओं की तरफ से इमरान खान साहब के खिलाफ कोई खातिर ख्वाह ऐसी उन्होंने तनकीद नहीं की या उनके बारे में कोई गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। अभी तक वो थोड़े मोहताज जरूर है पीटीआई के मामलात को लेकर के और पब्लिकली भी वो पीडीएम की मुख्तलिफ तनकीद कर रहे हैं पॉलिसीज के हवाले से उनकी सियासत पर और जो उनके कायदीन हैं उनके ऊपर भी ये तनकीद कर रहे हैं। कहीं कहीं पीटीआई की पॉलिसीज का दिफा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इनके ट्विटर के आप जो प्रोफाइल देखें तो इनकी जो पिक्चर्स हैं, जो इनके ओहदे हैं, जो इनकी बातें हैं, वो अभी तक ऐसा लगता है कि जैसे ये पीटीआई के साथ ही मुंसलिक लोग हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अपनी जगह हकीकत बात है कि पब्लिकली अनाउंस कर चुके हैं कि पीटीआई को ये छोड़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या इनके लिए जगह बननी चाहिए या नहीं और क्या वाकई इनके कोई रबते हुए हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से या फिर ये सिर्फ कुछ दोस्त हैं जो उनकी गुफ्तगू इधर उधर पहुंचा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि अभी तक कोई सॉलिड डायरेक्ट रबता उस तरह से नहीं हो रहा इनका इमरान खान साहब के साथ कि जिसमें इमरान खान साहब को इन्होंने कोई पर्सनल रिक्वेस्ट की होगा जी हम बड़े मजबूर थे, कोई प्रेशर में थे तो हमें दोबारा आप अपनी पार्टी में ले लें। तो ऐसा कोई डायरेक्ट रबते की तो किसी खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। अलबत्ता बहुत सारे लोग ये जरूर कह रहे हैं कि इधर उधर से कुछ पैगाम जरूर पहुंचाए गए हैं इमरान खान साहब को और कुछ पैगाम रसानी की गई है जिसके बाद एक माहौल सा ऐसा लग रहा है कि बनाया जा रहा है इन दोनों रहनुमाओं के लिए कि इनको दोबारा पार्टी में थोड़ी सी स्पेस दे दी जाए। तो इस पर जो मुख्तलिफ लोगों की आरा है या जो पल्स की मैं अगर बात करूं तो पार्टी कारकुनान हो या आम सपोर्टर्स हो पीटीआई के, वो शायद अभी इस हक में नहीं है कि इन लोगों के लिए, बल्कि ये लोग क्या जो लोग भी पार्टी को अलविदा कह गए हैं उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इन्होंने बुरे वक्त में पार्टी का साथ नहीं दिया और मसाइब ये बर्दाश्त नहीं कर सके तो फिर इनको क्यों दोबारा मौका दिया जाए, जबकि अच्छे वक्तों में इन लोगों ने अच्छी मिनिस्ट्रीज को एंजॉय किया, इमरान खान साहब को इतना करीब से जानते थे, इतनी कुर्बत में उनके रहे और इसके बावजूद इमरान खान साहब ने उन्हें इतना पास रखा, उनके बहुत सारे मशवरों पे भी इमरान खान साहब अमल करते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने जब मुसीबत पड़ी तो सारी जिम्मेदारियां खान साहब पर डाल दी। और इसके बरक्स बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जिनके साथ बहुत सख्तियां बरती गई, चाहे वो अली मोहम्मद खान साहब हो, चाहे वो शहरयार आफरीदी साहब हों, चाहे वो बहुत सी खवातीन पार्टी मेंबर्स हैं, पंजाब से उमर सरफराज चीमा साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, जास चौधरी साहब हैं, इसी तरह से बहुत से और लोग हैं जिनके शायद मेरे अभी जहन में नाम उस तरह से नहीं मैं ले रही, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जेलें भी काट रहे हैं लेकिन स्टिल वो पार्टी छोड़ने के लिए रजामंद नहीं है।
तो फिर लोग ये समझते हैं कि शायद आप उन लोगों की हक तलफी कर रहे हैं जिन्होंने फिर मसाइब बर्दाश्त किए। बहुत आसान होता उनके लिए भी कि वो आके अबेंडन कर देते पार्टी और बात खत्म और जान छूट जाती उनकी जो माहौल था, लेकिन उन्होंने इस बात को तरजीह दी कि वो अपने नजरिए के साथ और अपने लीडर के साथ खड़े हुए हैं और इसी वजह से उन्होंने मसाइब भी बर्दाश्त किए, जेल की सख्तियां भी काटी। तो फिर ये उन लोगों के साथ ज्यादती होगी जिन्होंने बर्दाश्त किया, और फिर हम उन्हीं को स्पेस दे दें कि जिन्होंने बर्दाश्त नहीं किया या जिन्होंने अपनी बहादुरी उस लेवल की नहीं दिखाई, कमिटमेंट वो लेवल की नहीं दिखाई जो उन्हें दिखानी चाहिए थी। तो ये एक बहरहाल अपनी जगह सोच मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान साहब बहुत जल्दी इन लोगों के लिए वापसी के दरवाजे खोलेंगे। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि इमरान खान साहब को यकीनन इधर उधर से रिक्वेस्ट तो आ रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के बारे में वो बिल्कुल ओपन हैं, जैसे डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा हों, मेरा ख्याल है मलिका बुखारी के लिए भी और शायद एक आध और मेंबर के लिए भी वो ये जरूर सोच सकते हैं कि उन्हें वापस ले लिया जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे दूसरे मेंबरान जिन्होंने बहुत बदजुबानी की बाद में जाकर, उनका तो खैर बिल्कुल ही पत्ता साफ है, लेकिन जो खामोशी इख्तियार किए रहे और फिर भी ढके छुपे अल्फाज में कहीं ना कहीं पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, उनका शायद मुस्तकबिल में आगे चल के कोई चांस बन जाए, लेकिन फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि अभी उनको पार्टी में दोबारा नहीं लिया जाएगा। तो ये तो जनाब असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब की वापसी की जो खबरें उसके हवाले से तफसीलात थी। अब जरा आ जाए इस बात के ऊपर कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या बातें की हैं। सलीम साफी साहब के साथ जो इंटरव्यू था उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी 9 मई एक पूरा प्लान था जो कि फौज के ऊपर हमला था, और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़े दिलचस्प थे। उन्होंने कहा कि जी फौज का तख्ता उलटने के लिए ये सारा प्लान बाकायदा बनाया गया था इमरान खान की तरफ से, और इसके लिए प्री प्लानिंग थी, सब पता था कि किसने किधर जाना है, कितने लोग लेके जाना है, कैसे अटैक करना है वगैरह वगैरह। तो पहले तो मुझे इस बात पर ही हैरत हुई कि ये अल्फाज कैसे हैं उनके कि फौज का तख्ता उलटने के लिए, यानी तख्ता उलटने का लफ्ज तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जब कोई एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई होती है, तो हम कहते हैं कि यार उसका एक तख्त है जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, यानी लोगों ने उन्हें हुक्मरान चुना है तो वो हुक्मरान है, तो वो तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं। तो फौज तो कोई हुक्मरान नहीं होती और ना ही वो किसी तख्त के ऊपर विराजमान होती है आइडियली या आइन के तौर पर, आइनी तौर पर देखा जाए तो। तो ये अल्फाज बड़े उनके दिलचस्प हैं कि ये इस तरह लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब हाथ बांध कर ये मान रहे हैं कि वो बादशाह सलामत हैं और उनका तख्ता उलटने की क्यों जसारत की गई। तो ये अल्फाज काफी काबिल एतराज़ है उनके आइनी तौर पर, और हकीकी तौर पर शायद मेरा ख्याल है हकीकी तौर पर तो शायद बिल्कुल हसब हाल हैं, लेकिन आइनी तौर पर काबिल एतराज हो सकते हैं। तख्त कोई उल्टा नहीं जा सकता फौज का, फौज की तख्त पे विराजमान होती ही नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि कोई सिपे सालार के खिलाफ बगावत की कोशिश की गई, लेकिन तख्ता उलटने का मामला जो है वो आमतौर पर मुंतखब हुकूमत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये रही बात कि जी क्या वाकई उसमें कुछ लोग शामिल थे, उन्होंने कहा कि इसमें खुद फौज के भी कुछ लोग और उनकी फैमिलीज भी शामिल थी। और आपको याद होगा कि जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने उसमें अनाउंस भी किया था कि कुछ जो जनरल हैं उनको भी इवन अलग किया गया है, बरतरफ किया गया है, कुछ और भी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ये गालिबन उसी तरफ इशारा था, मुमकिन तौर पर ये वो लोग हो सकते हैं कि जो इस सारे रजीम चेंज के ऑपरेशन के हक में ना हो, या अगर उसके हक में हों भी तो वो फिल वक्त जो एक सख्ती नजर आ रही है PTI के अगेंस्ट उसको शायद वो सपोर्ट ना करते हों, या 9 मई के मामले में उनकी किसी तरह की भी फैसिलिटेशन हो। तो बहरहाल उनको बरतरफ कर दिया गया था अपने तौर पर फौज ने कार्रवाई करके, जो उनका एक इंटरनल सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का। बाकी जो आपके ये सिविलियन अनासर थे उनमें से कुछ तो अभी तक आर्मी एक्ट के तहत फौज की तहवील में है, और बाकी जहां तक PTR की सीनियर लीडरशिप की बात है तो वो आपको मालूम है कि अदालतों में अपने मुकदमात का सामना कर रही है। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब से ये पूछा भी गया कि तो फिर क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है उस तरह, तो फिर वो उसका कोई वाज़े जवाब उस तरीके से नहीं दे सके, वही जो उनकी बातें होती हैं बिल्कुल हर एक को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल 9 मई के हवाले से अभी तक जो उनका एक पूरा बयानिया है उसी को प्रोपेगेट किया जाएगा मजीद। अभी हमें नजर आ रहा है कि 9 मई के तनाजुर में ही कोशिश की जाएगी कि इनको लपेटा जाए, शिकंजा कसा जाए, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो बाकी केसेस हैं उसमें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है किसी को भी सजा देने के लिए। तो ये जो है वो मेन उसका एक पॉइंट जो है वो नजर आता है। बाकी उन्होंने अगेन वही बात की कि जी नवाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे, भाई कितों होंगे,
पहले आप उन्हें वापस तो तशरीफ लेके आए, वो तो अभी तक कदम रंजा फरमाने के लिए तैयार नहीं है जब तक के फूलों की सेज ना हो। भाई मैं सितंबर में आऊंगा, जब काजी मेरा आएगा फिर मैं आऊंगा। तो ये एक अजीब मजका खेज सी बात है। जो आपके लीडरान हैं उनको तो बिल्कुल फेस करना चाहिए, जो भी उनके मामलात हैं। इमरान खान साहब पे 200 केसेस हैं, वो भी तो फेस कर रहे हैं। अगर आपको एक केस फेस करना पड़ रहा है तो आप ही आके फेस करें, इसमें कैसी बात है। हालांकि आपके लिए तो बड़े साजगार माहौल भी थे, आपके भाई की हुकूमत भी थी, सब कुछ था, लेकिन अब तो लग रहा है कि वो भाई की हुकूमत के बाद ही आएंगे। और ताज़ा खबर यही है कि सेप्टेम्बर के सेकेंड वीक थर्ड वीक में, सेप्टेम्बर के एंड में वो आएंगे, क्योंकि मिड ऑफ सेप्टेम्बर जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है वो सुबकदोश हो जाएंगे। काजी फैजीसा साहब के हवाले से इन्होंने उम्मीदें तो बड़ी लगाई हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैंने पहले भी अपने वीलॉग में कहा था कि मुझे लगता है कि वो सरप्राइज देने की पूरी अहलियत रखते हैं, और हो सकता है कि पीडीएम को उनसे कोई सरप्राइज ही मिल जाए। और इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कुछ बताती चलूं, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि अब एक हुकूमत अपना वक्त खत्म कर रही है और इस हुकूमत से जान छूट जाएगी, जो कि एक ऐसा लगता है कि जैसे आके जबरदस्ती हुकूमत पर काबिज हो गए, उस तरह से मैंडेट तो इनके पास किसी एक पार्टी के पास नहीं था, तो उससे अंदाजा ये हो रहा है कि अब इस हुकूमत के जाने के बाद बहुत सारी चीजें जो आप इस वक्त देख रहे थे शायद उनमें थोड़ा ब्रेक नजर आपको आए। जाहिरी सी बात है कि वैसे तो इनके हैंडलर, सपोर्टर्स, एस्टेब्लिशमेंट, इनके पीछे बहुत सारे मामलात में ये लोग सेम पेज पे थे, और ऐसा नहीं था कि ये अपने तौर पर बड़ी मर्जियां कर रहे थे और पीछे से इन्हें उस बात की सपोर्ट नहीं थी। लेकिन बहरहाल ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप हर इच्ची बिच्ची को ही आशीर्वाद के साथ कर रहे हो, बहुत सारे मामलात फिर आप खुद ही अपने तौर पर भी सेटल कर रहे होते हैं। तो अब ये इनकी जो एक अयाशी थी ये खत्म होने जा रही है कि जो अपने तौर पर ये मनमर्जियां भी कर लेते थे बीच में, अब देखना ये है कि जो आने वाली हुकूमत है वो किस तौर पे चीजों को लेके चलती है, और उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि एस्टेब्लिशमेंट अब इनके साथ मजीद आगे चलने की ख्वाहिशमंद है या उसके अपने अब कुछ तहफ़ुज़ात हैं इन लोगों के हवाले से। उसी से आपको निगरान हुकूमत जब आएगी तो उसमें काफी चीजें आपको ये बहुत सारे सवालात के जवाब देते हुए नजर आएंगी कि आगे एस्टेब्लिशमेंट का प्लान क्या है, मूड क्या है। और इसी दौरान हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ये हुकूमत जाए तो कुछ चीजें बेहतर होना शुरू हो, और जो हम देख रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन ने बहुत एक ब्रूटल किस्म की विक्टिमाइजेशन देखी, उसमें अब हमने देखा भी है दो तीन लोग रिहा भी हुए हैं, फर्दर भी हो सकता है आगे हों। और इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी यही खबर आ रही है कि शायद इस हुकूमत के खात्मे के बाद इनकी रिहाई मुमकिन हो सके, और 14 अगस्त जो आज़ादी का दिन है उसके ही आसपास उनकी भी कोई आज़ादी जो है मुमकिन हो सके। हम तो दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उतरे दिनों का भी ना बीच में लेके आए वक्फा, और उससे पहले ही उनकी आज़ादी के लिए एक दिन भी ना गुजरे और वो आज़ाद हो जाएं और अपने फैमिली में वापस जा सकें। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी जो वक्त है उनका थोड़ा सा वो 14 अगस्त के शायद आसपास कुछ बात बन जाए, तो अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ो अमान में रखे, और हमारी तो भरपूर ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द उनकी वापसी मुमकिन हो। और लास्टली मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो मंसूर के प्रोग्राम में भी बातें की, और फिर उसके बाद जो ऑफ द रिकॉर्ड भी मंसूर अली खान से उन्होंने गुफ्तगू की, जिसे बाद में उन्होंने अपने वीलॉग में भी डिस्क्राइब किया, वो ये कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट, यानी एस्टेब्लिशमेंट की जब वो बात करते थे तो बेसिकली वो कह रहे थे जी कि जनरल बाजवा साहब जिस तरीके से उन्हें ऑफर कर रहे थे कि आप जी 2019 में ही इकतदार संभाल लें, जून में आप पंजाब ले लें, दिसंबर में आप वफाक ले लें, और सारी बातें वो इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह ये जो सारी एस्टेब्लिशमेंट थी रजीम चेंज में ना सिर्फ सहूलतकार थी बल्कि पूरी ऐसा लग रहा है कि मास्टरमाइंड थी उसका। तो ये बेसिकली दो तीन एलिगेशंस हैं अगर आप इसको बड़ा करीब से देखें जो उन्होंने फौज के ऊपर डाल दी हैं। एक तो ये कि इसका मतलब है कि हल्फ की गद्दारी हो रही थी, यानी फौज का तो ये काम ही नहीं है कि वो सियासत में मुदाखलत करे, हुकूमतों का तख्ता उल्टे, तो फिर जनरल बाजवा साहब किस मिशन पर थे और ये क्या हरकतें कर रहे थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने फिर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, आइन की खिलाफ वर्जी की। दूसरी बात ये है कि फिर वो जो उस वक्त राग अलापा जाता था और बहुत सारे हमारे जो तजियाकार थे वो भी बड़े उसके हम नवा बन गए थे कि जी न्यूट्रल हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं तो इन्हें बुरा लग रहा है, न्यूट्रल हो गए हैं। इमरान खान ये नहीं कह रहे कि जी आप इनको ना लेके आए, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं आप हमें उठा लें और वो न्यूट्रल हो गए हैं तो अब इन्हें बुरे लग रहे हैं। तो ये असल में कहानी अब खुद ख्वाजा आसिफ की जबानी बाहर आ चुकी है कि न्यूट्रल श्यूट्रल कोई नहीं वो हुए थे,
पिछले पूरे उनकी जो कारकर्दगी थी उसके अंदर थी शामिल, जो ये रजीम चेंज हुआ और उसके बाद के भी जो मामलात, लेकिन बाद में जो है वो ऐसे स्पीचेस करते हैं कि जी हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, हम तो न्यूट्रल हो गए। तो ये न्यूट्रलिटी की सारी कहानी जो है वो खुल के सामने आ रही है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ख्वाजा आसिफ साहब को इस वक्त क्या जरूरत पेश आई कि वो आकर इस किस्म की बातें करें। और फिर एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है जो मैंने आपसे पिछले वीलॉग में भी शेयर किया था कि उस वक्त जो DGISI थे, जो टाइम पीरियड ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं, वो DGISI मौजूदा आर्मी चीफ साहब थे, यानी आसिफ मुनीर साहब उस वक्त DGISI थे। तो आप कहीं अल्टीमेटली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उस वक्त के DGISI भी इसमें शामिल थे, या फिर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उनको पता ही नहीं था और सारा कुछ बाकी होता जा रहा था, फौज सारा कुछ कर रही थी बस उन्हें ही नहीं पता था। तो ये दोनों ही बातें बड़ी अजीब सी हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब की एलिगेशंस हैं। अब इन एलिगेशंस का फिर मकसद क्या है? क्या ये वो अपने जिस तरह के आजकल गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उन्हीं का एक तसलसल है, उसी में ही अपने भाव में वो ये बात कर गए हैं, या इसका कोई खास मकसद है? क्योंकि इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, और जो इस वक्त मियां साहब की सोच है और जो PMLN के हवाले से तहफ़ुज़ात हैं, वो बहरहाल अपनी जगह इन दोनों के दरमियान एक इत्माद का फुकदान नजर आ रहा है और निगरान सेटअप को लेकर के और भी खिंचाव हुआ है, तनाव है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब से ये जुबानी गोलाबारी करके अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को, और ये कहा जा रहा है कि आप अपने वादे पूरे करें, आप जो हमारी मर्जियां हैं वो पूरे करें, जो हम चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, बेसिकली इनकी लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपको मालूम ही है कि इमरान खान को तो बिल्कुल उसका नाम निशान मिटा दें, तो आप वो वाली बातें जो हैं वो सारी पूरी करेंगे तो फिर जो है हम चुप रहेंगे, वरना फिर हम बहुत सारे राज खोलेंगे। तो ये कहीं इस किस्म का एक प्रेशर देने की कोशिश तो नहीं की जा रही मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को? इस बात को बड़ा गौर से देखना होगा। और इसके साथ साथ ये भी इसके पीछे एक वजह हो सकती है कि कहीं उस वक्त की डेट्स का जिक्र करके ऐसा तो नहीं है कि मौजूदा आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान मजीद दूरियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही हो कि जनाब देखें उस वक्त ही ये काम शुरू हो गया था जब ये मौजूदा आर्मी चीफ जो थे वो DGISI थे। तो ये जो एक उनको अगर ये महसूस हो रहा हो कि कहीं काम नरम पड़ रहा है या कहीं कोई इनके दरमियान कोई सेटलमेंट ना हो जाए, तो उसको मजीद आग लगाने के लिए शायद उस वक्त की इस तरह की गुफ्तगू जो है वो जानबूझ के की जा रही हो। तो ख्वाजा आसिफ इतनी सेंसिटिव बातें आकर यूं ही कैजुअली नहीं कर रहे, इसका कोई ना कोई पर्पस जरूर है। तो PTI को भी इस सारे मामले को बड़ा केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है, इस पर ओवर रिएक्ट ना करें। और दूसरी जानब अगर ये एस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर करने की कोशिश है तो फिर ये आप कह सकते हैं कि PMLN एक दफा फिर से अपने आप पे अपने पाँव पे दोबारा कुल्हाड़ियां मारने की तैयारी कर रही है, जो कि जिसमें ये मशहूर भी है। तो ये उस किस्म का भी एक खुदकुश हमला इनका अपने ऊपर ही दोबारा हो सकता है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।